मोल कैसे निकाला जाता है, मोल की एप्लीकेशंस क्या है, ये सारे पॉइंट वन बाय वन हम यहाँ आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना है कि इसकी जरूरत क्यों है हमें। देखिए, मेरे पास कोई भी अमाउंट है, वो भले ये चौक ही क्यों नहीं हो, इस चौक में कितने पार्टिकल हैं ये गिनना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि पार्टिकल इतने छोटे हैं, इतने स्मॉल हैं कि हम उसको देख भी नहीं पा रहे, तो हम उसे गिनेंगे कैसे। तो बस यही मान लीजिए कि अगर मोल है, तो हम बिना इंडिविजुअली एटम्स मॉलिक्यूल काउंट किए हम उस सब्सटेंस के पार्टिकल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि उनकी क्वांटिटी क्या है। यही काम मोल करता है। यानी अगर कोई क्वांटिटी छोटी है और बहुत ज्यादा है, जैसे एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस, तो बिना मोल के आप उनकी क्वांटिटी नहीं निकाल सकते। मोल एक रिलेशंस जनरेट करता है जिसमें मास से आप सीधे नंबर ऑफ पार्टिकल को पता लगाते हो। यही काम मोल का है। जब पार्टिकल बहुत छोटे हैं और हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, तो हम उनका उनकी क्वांटिटी पता कैसे लगाएंगे। यानी एक रिलेशंस हम जनरेट करेंगे जो मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिलेट करेगा, वही मोल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 रुपीज बहुत सारे हैं, बहुत बहुत सारे हैं, आप क्या करोगे? आप उन्हें गिन नहीं सकते, आप इतने सारे हैं, तो आप उनका क्या करोगे? वेट करोगे, तोलोगे कि हाँ इतने किलो में इतने नोट आते हैं, 1 किलो में इतने नोट आते हैं, तो 100 किलो में कितने आएंगे आप फटाफट बता दोगे। लेकिन अगर आप काउंट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो वो तो फिर भी आसान है, क्यों? क्योंकि नोट को देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पार्टिकल इतने छोटे हैं कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते। जब हम उन्हें देख ही नहीं सकते, तो हम उन्हें काउंट तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मोल वही काम बहुत आसानी से बता देगा कि इस सब्सटेंस में कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने पार्टिकल हैं। यह काम मोल बहुत आसान बनाता है। तो कैसे बनाता है, वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या लिया जाए। ऑब्वियसली साइंटिस्टों के दिमाग में भी था कि हमें मोल एक ऐसी वैल्यू लेनी है, एक ऐसी चीज लेनी है जिससे कैलकुलेशंस करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान रहे, हमारे लिए बहुत आसान रहे, उसे याद करना हमें बहुत आसान रहे। यानी हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि इतने मोल का ये वेट होगा किसी भी सब्सटेंस के लिए, इजी वे में, न कि बहुत ज्यादा रट के। तो ये काम बहुत आसानी से हुआ है, और उसी को हमें वन बाय वन पढ़ना है कि ऐसा क्या रखा जाए कि मोल क्या होगा। लेकिन मेरे लिए तो अभी तक मोल एक काउंटिंग यूनिट है जो कि बहुत छोटी वैल्यू को कैलकुलेट करने में काम आती है, और वो ही हमारे लिए मोल है। अब बात आती है कि काउंटिंग यूनिट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे इसी पॉइंट में। ओके, हमें अगर मोल समझना है तो मोल से पहले सब्सटेंस को समझना है, सब्सटेंस में मॉलिक्यूल को समझना है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम को समझना है। तो पहले तो हमें यह समझना है कि एटम है क्या, उनमें मास किस वजह से है, क्योंकि बिना मास निकाले हम मोल भी नहीं समझ सकते। तो एटम को देखते हैं, आप कोई भी एक एटम देख सकते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कार्बन का एटम। तो कार्बन एटम अगर आप देखते हैं, तो कार्बन एटम है क्या, ये उसका न्यूक्लियस है और उसके चारों हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं हम सब जानते हैं, कार्बन 12 आइसोटॉप्स, 6 यानी 6 प्रोटॉन है उसके अंदर, 6 वन प्रोटॉन, 2 3 4 5 6, ये हमारे पास प्रोटॉन है किसमें, कार्बन के न्यूक्लियस में। अच्छा, अब न्यूट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन है कार्बन 12 में, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर है, 1 2 3 4 5, और इसी तरह से हम बात कर सकते हैं 4 5 6, ये सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है। ठीक है, तो कार्बन के एटम का मास किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से, हाँ, न्यूट्रॉन की वजह से, हाँ, इलेक्ट्रॉन की वजह से, हाँ, लेकिन उसका कॉन्ट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है। आप मान सकते हैं मास ऑफ, अगर आप कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ कार्बन एटम तो हमारे पास होगा 6 प्रोटॉन का मास, 6 न्यूट्रॉन का मास और
सिक्स इलेक्ट्रॉन्स का मास, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, तो इनके होने या ना होने से कोई खास बेनिफिट नहीं है मास वाइज। तो इसका मतलब कार्बन सिर्फ मास जो है वो सिर्फ 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन की वजह से है। और देखा जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास काफी एक दूसरे के पास ही वैल्यू रखते हैं, अप्रोक्सीमेट सेम है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेट लगा के कि ये 12 मास ऑफ प्रोटॉन है या 12 मास ऑफ न्यूट्रॉन है, ये मेरे पास एक कार्बन एटम का मास आ रहा है। तो 12 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम है, या तो आप प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से चेंज कर दें या फिर न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से चेंज कर दें। मैंने यहाँ न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से चेंज करा है, तो मेरे पास टोटल प्रोटॉन कितने होंगे 12, तो मास कितना हो जाएगा कार्बन 12 का 12 mp, mp मीन्स मास ऑफ 1 प्रोटॉन। और हम सब जानते हैं कि एक प्रोटॉन का मास 1 amu होता है, यानी यहां हमारे पास हो गया amu, 12 amu एटॉमिक मास यूनिट। यानी और हम ये भी जानते हैं कि एक प्रोटॉन का मास अगर हम ग्राम में लिखना चाहते हैं तो 1.612 मल्टीप्लाई बाय 1.6 × 10^-24 ग्राम। एक प्रोटॉन का मास है 1.67 × 10^-24, तो 12 प्रोटॉन का कितना हुआ हमारे पास 12 × 1.67 × 10^-24 ग्राम। ये आपके पास एक कार्बन एटम का मास है। अब मुझे एक ऐसी क्वांटिटी लेनी है जिस मास वाइज जिसके अंदर बहुत सारे कार्बन एटम हो और वो क्वांटिटी निकालना बहुत आसान हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या क्वांटिटी ली जाए, तो मुझे दिमाग में आ रहा है क्या मैं एक्सपेरिमेंट किलोग्राम में करूंगा? नहीं, क्योंकि मैं केमिस्ट्री में टेस्ट ट्यूब में करता हूं एक्सपेरिमेंट, न कि बाल्टी में। और टेस्ट ट्यूब में जो अमाउंट आता है वो किस में आता है? ग्राम में। तो ये ध्यान में रखते हुए कि मैं ऐसा कोई वैल्यू लूं लेना चाहूंगा जिससे मास हमेशा मुझे ग्राम में मिले और मेरा एक्सपेरिमेंट करना आसान हो, इसलिए मैंने 1 मोल पार्टिकल वो सेलेक्ट करे जिससे उस सब्सटेंस का मास 12 ग्राम हो जाए। और इसी का नहीं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का भी निकालना मेरे लिए बहुत आसान हो। तो मैंने अपने दिमाग में 1 मोल वो पार्टिकल है जिससे कार्बन का वेट एग्जैक्ट 12 ग्राम आए। यानी अगर आप एक पार्टिकल का मास करते हैं तो वो 12 amu या 12 × 1.67 × 10^-24 ग्राम है, लेकिन 1 मोल वो क्वांटिटी है जिससे कार्बन का वेट 12 ग्राम बन जाए। यानी 1 मोल ऑफ कार्बन 12 मास, एटम्स मास आपके पास क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट 12 ग्राम होना चाहिए। यानी 1 मोल एक ऐसी वैल्यू बने जो 12 amu को 12 ग्राम में चेंज कर दे। तो आसान भाषा में अगर आप 1 मोल की बात करें तो व्हाट इज 1 मोल? मेरे हिसाब से 1 मोल अपने आप में एक वैल्यू है जो amu को किस में कन्वर्ट कर देती है? ग्राम में। तो 1 मोल इक्वल टू 1 ग्राम अपॉन 1 amu। तो अगर किसी का भी पार्टिकल का मास, एक पार्टिकल का मास amu में है, भले वो amu हो, सीधा मोल से मल्टीप्लाई होते ही वो ए ग्राम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बार और मैं आपको समझाऊंगा, जैसे हम बात करते हैं 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स मास। नाइट्रोजन एटम्स मास क्या दिमाग में आता है? एक नाइट्रोजन एटम का मास क्या है? 14 amu। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन होते हैं, तो टोटल कितना हुआ 12, और 12 amu मैंने लिख दिया। तो 12 amu अगर मैं यहां लिखता हूं तो सीधा सीधा है, ये 1 मोल पार्टिकल का नहीं, ये एक पार्टिकल का मास है, और 1 मोल से मल्टीप्लाई करते ही अब आपके पास कितना हो जाएगा 12 amu, सॉरी 14 amu मल्टीप्लाई बाय 1 मोल की वैल्यू मैंने क्या रख रखी है 1 ग्राम अपॉन 1 amu, 1 ग्राम अपॉन 1 amu। तो ये amu से amu क्रॉस हुआ, तो और हमारे पास फाइनली क्या मिला 14 ग्राम। तो आसान भाषा में आप देख सकते हैं
कि आपके पास 1 मोल लिखते ही उस पार्टिकल का मास क्या हो जाता है, वही रहता है लेकिन यूनिट चेंज हो जाती है और क्या बन जाती है, ग्राम। कितना अच्छा है, आप सोचिए, आपको अलग से वेट याद करने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल में हमें किसकी जरूरत होती है, वेट की, और वेट अगर हमें एटॉमिक वेट याद है तो मोल का वेट निकालना हमारे लिए बहुत आसान है, सिर्फ उसके एमयू को किस में कन्वर्ट कर दो, ग्राम में। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल एटम्स, यहां हमारे पास नाइट्रोजन एटम्स है, अगर मैं यहां पर 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स की बात करता हूं, ऑक्सीजन एटम्स, तो हमारे पास कितना होगा, एक एटम का आप अच्छे से जानते हैं कितना होता है, 16 AMU, और अगर आप इसको 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 16 AMU मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम अपॉन 1 AMU, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल, और ये बन जाएगा आपके पास 16 ग्राम। तो अलग अलग डेफिनेशन अब हमारे पास मोल की आने ही वाली है, लेकिन एक डेफिनेशन तो आ गई और वो ये है, मोल इज द क्वांटिटी ऑफ एटम्स विच हैविंग जस्ट इक्वल मास ऑफ सेम एज एटॉमिक मास, बट यूनिट इज नॉट AMU, यूनिट बिकम ग्राम, दैट इज मोल। कैसा रहा, जब बात आती है मोल की डेफिनेशंस की तो मुझे फिर वही बात बतानी पड़ेगी कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल वो कलेक्शन है जिससे उसका जो मास AMU में वो सीधा ग्राम में कन्वर्ट हो जाए, यानी 1 मोल की एक डेफिनेशन बन के आ रही है हमारे पास, 1 मोल इज अ कलेक्शन ऑफ दैट मेनी एंटिटीज एज देयर आर नंबर ऑफ एटम एग्जैक्टली इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। सिंपल सा है, एक कार्बन 12 आइसोटॉप का वेट कितना होता है, सिंगल 12 AMU, तो 1 मोल में जितने एटम्स होंगे वही आपको 12 ग्राम की फील देंगे, यानी उल्टा बोल दिया मैंने यहां पर कि 12 ग्राम में जितने पार्टिकल होंगे वो क्या होगा, 1 मोल होगा। अब बात आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट क्या है, 16 AMU, क्या है, 16 AMU, यानी एक एटम का वेट 16 AMU है, तो इसका 1 मोल कलेक्शन कितना होगा, 16 ग्राम। तो मेरी डेफिनेशन क्या होगी, मेरी डेफिनेशन अगर ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देखनी है तो 1 मोल इज द कलेक्शन ऑफ दैट मेनी एंटिटीज एज देयर आर नंबर ऑफ एटम एग्जैक्टली इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 16 आइसोटॉप। यानी आसान भाषा में मैं फिर बता रहा हूं कि किसी भी सब्सटेंस का मास, एक सब्सटेंस, वो एक सब्सटेंस एक एटम हो सकता है, एक मॉलिक्यूल होता है, वो AMU में लेना है तो 1 मोल का मास वही आपके पास ग्राम में हो जाएगा। नाइट्रोजन का एक एटम का मास 14 AMU, तो 1 मोल का क्या हो जाएगा, 14 ग्राम। या आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन 14 ग्राम नाइट्रोजन इज कॉल्ड 1 मोल। तो 1 मोल अपने आप में वो वैल्यू है जिससे उसका मास AMU से हटकर ग्राम में आ रहा है और वो एक फिजिबल अमाउंट दिखेगा। AMU आप समझ सकते हैं कितना छोटा मास है, 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। क्या आप उसे कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमारे लिए एक ऐसा मास लिया जाना चाहिए जिसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमें दिखाई दे, और वो दिखाई देता है हमें ग्राम में, किलोग्राम में भी बेशक दिखाई देता है, लेकिन किलोग्राम इतना ज्यादा अमाउंट हो जाता है कि उसे हमें एक्सपेरिमेंट करने में दिक्कत होती है। इसलिए हमने शुरुआत से ही केमिस्ट्री में CGS यानी ग्राम को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, और हर चीज हम ग्राम में बात करेंगे आगे भी इस तरह के में। तो 1 मोल इज द कलेक्शन ऑफ 6.023 × 10³³ एंटिटीज हो जाएंगी। ये हम किसी भी चीज को काउंट करने के लिए ले सकते हैं, लेकिन ये क्वांटिटी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि इसको हर जगह काउंट करना बहुत मुश्किल है। आप इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस,
सब काउंट करने में यूज कर सकते, क्या पॉपुलेशन काउंट करने में यूज कर सकते? नहीं, पॉपुलेशन बिलियन है, लेकिन ये बिलियन से काफी बड़ी वैल्यू है, 10^9 से बहुत बड़ी वैल्यू है, आप खुद देखिए। तो ये बिलियन और मिलियन से बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए इस यूनिट का यूज नॉर्मल कैलकुलेशन में नहीं कर सकते, हम सिर्फ इन छोटी पार्टिकल की कैलकुलेशन में कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। ये वैल्यू आई कैसे, ये हमारा एक पॉइंट है। लेकिन इस वैल्यू को सबसे पहले अवोगाड्रो ने निकाला और कहा 6.023 × 10^23 एक मोल की वैल्यू है, इसे आप अवोगाड्रो नंबर कैपिटल एन और स्मॉल सॉरी कैपिटल ए लेकिन छोटा बना के लिखना पड़ेगा, आप अवोगाड्रो नंबर को एन ए नहीं लिख सकते, इसका मतलब सोडियम होता है, आप अवोगाड्रो नंबर को एन ए भी नहीं लिख सकते, इसका मतलब नॉट अटेम्प्ट होता है, आपको अवोगाड्रो नंबर सिर्फ ऐसे ही लिखना पड़ेगा और इसका मतलब होता है एक मोल। ये अपने आप में काउंटिंग वैल्यू है, जैसे मिलियन बिलियन थाउजेंड एक्सेट्रा, वैसे ही आप काउंटिंग यूनिट में यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरल लाइफ में आपका इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री में ही आपको ये यूज करने को मिलेगा। लेकिन हमारा पॉइंट वापस ये आ रहा है कि कैसे ये वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू हमने निकाली है, हमने निकाली नहीं है, हमने सिर्फ साइंस लगाई है, मैथ्स लगाई है, कैसे देखते हैं, देखिएगा। आपको मैंने ये तो बता दिया कि एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे, सॉरी 6.023 × 10^23, लेकिन ये आएंगे कैसे? दूसरी तरफ मैंने आपको एक और बताया था कि एक मोल पार्टिकल का मास, उसके मास जो होता है AMU, उसे आप ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हो, वहां से ही हम ये निकालेंगे, यानी कहीं ना कहीं Na की वैल्यू हमारे लिए जो एक मोल है वो हमारे लिए क्या होगी, 1 g/AMU। और आप जानते हैं 1 g/AMU, AMU की वैल्यू क्या है, 1.67 × 10^-24 g। तो ये ग्राम से ग्राम क्रॉस हुआ और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट हमें क्या मिल रही है, 6.023 × 10^23। सिंपल सा है, यानी अगर हमें ये वैल्यू याद है, अवोगाड्रो नंबर जिसे हम बोल रहे हैं 1 mole, तो ये सीधा आपके मास को AMU से उठा के किस में रख देगी, ग्राम में। इज दैट क्लियर? तो बताइए एक मोल प्रोटोन का मास कितना होगा, एक प्रोटोन का मास कितना होता है 1 AMU, तो एक मोल का कितना होगा 1 g। एक मोल न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1 AMU, तो एक मोल न्यूट्रॉन का मास कितना होगा 1 g। एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, आप बहुत आसानी से कह सकते हैं, क्या आपको इलेक्ट्रॉन का मास AMU में मालूम है, नहीं मालूम, तो पहले उसका मास AMU में निकालें, तो वो आ रही है वैल्यू, AMU में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होगा, एक से बहुत छोटा होगा, 1/1840 अप्रोक्सीमेट, इतना कम होगा AMU में भी, जबकि AMU अपने आप में बहुत छोटी वैल्यू है वेट की। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 1/1840, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होगा 1/1840 AMU। तो आप मुझे बताइए एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, बस सिर्फ एक ग्राम लगा दीजिए AMU को हटा के, यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास होगा आपके पास 1/1840 g। ये आपके पास आएगा एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास, यानी अगर किसी भी सब्सटेंस का मास आपको AMU में मालूम है तो AMU को हटाती ग्राम लगाना है एक मोल के लिए। हाउ टू कैलकुलेट मोल, ये हमारा मेन आर्टिकल है। अभी तक हम मोल के बारे में इतना जानते कि अगर हमें मास दिया जाए तो हम मोल कैसे निकाल सकते हैं, या हमें पार्टिकल दिए जाएं तो हम मोल कैसे निकालते हैं, चलो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट केस, इन केस व्हेन मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन, हमें जो सब्सटेंस दिया जा रहा है, जिसके बारे में मोल पूछे जा रहे हैं, उसका मास हमें दिया गया है, तो हम मोल बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस
गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ध्यान दीजिएगा, हमें मास दिया गया है यहां पर सोडियम का, तो हमें मोलर मास भी सोडियम का लेना है, और अगर हमें मास दिया है सोडियम क्लोराइड का तो हमें मोलर मास भी सोडियम क्लोराइड का लेना है। अब यहां ये पॉइंट है कि मोलर मास हमें कैसे मालूम होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास जो मास है सोडियम का या सोडियम क्लोराइड का वो एएमयू में है, वो एक पार्टिकल का मास है, बस उसे ग्राम में चेंज कर दे वही मोलर मास कहलाता है। तो एक और पॉइंट, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ये सबसे इजी है और ये उसी के मोल बताएगा जिसका मास है और उसी के मोलर मास को हमें लेना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पूछा जाए हाउ मेनी मोल मोल्स आर प्रेजेंट हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 80 ग्राम NaOH। बहुत इजी सा एग्जाम्पल लिया है मैंने समझाने के लिए, आपको NaOH का मास दिया हुआ है और उसके मोल भी उसी के पूछा जा रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे, यहां पर मास किसका दिया है NaOH का, मोलर मास किसका लेंगे NaOH का, मोल किसके मिलेंगे NaOH के, इस बात का ध्यान रखेंगे NaOH मोल ऑफ NaOH, हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल को, तो वेट ऑफ, हम केमिस्ट्री में वेट और मास को सेम लेके चलते हैं, तो आप वेट लिख सकते हैं वेट ऑफ NaCl NaOH, क्योंकि NaOH के बारे में इंफॉर्मेशन है, एंड मोलर वेट ऑफ NaOH, कितना वेट दिया गया है आपको 80 ग्राम। मोलर वेट वेट कैसे निकालेंगे NaOH का, मोलर वेट सोडियम का होगा, एटॉमिक वेट ध्यान रखिएगा सोडियम का है 23, ये सोडियम का है, ऑक्सीजन का कितना है 16, हाइड्रोजन का कितना है 1, ये सब मैंने एटॉमिक वेट को ऐड कर दिया तो क्या आया मेरे पास मॉलिकुलर वेट। लेकिन अगर ये एएमयू की जगह आपने ग्राम में लिख दिया तो ये एक मोल को रिप्रेजेंट करेगा और ये मोलर मास होगा जिसकी यूनिट ग्राम पर मोल होगी। अब आपके पास ये वैल्यू आती है पूरा 40, तो टोटल आपके पास कितने मोल आ गए 2 मोल, आंसर होगा आपके पास 2 मोल। हां, अगर आपको यहां पर मोल की जगह पूछा जाए हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो आपका आंसर होगा 2 मोल, यानी कि 1 मोल में कितने होते हैं अवोगाड्रो नंबर जितने पार्टिकल, तो आपका आंसर हो जाएगा और वो आंसर होगा 2 Na। अगर आपसे यहां पर मॉलिक्यूल पूछे जाए तो आपका आंसर होगा 2 Na। इसी तरह से आप किसी के भी मोल निकाल सकते हैं, बस आपको दो चीजें चाहिए, एक उसका मोलर वेट और दूसरा उसका वेट। ध्यान दीजिएगा, जिसका वेट दिया जाएगा मोलर वेट भी उसी का लिया जाएगा और मोल भी उसके लिए जाएंगे। आप गलती से भी ये भूल ना करें, वेट किसी और का मोलर वेट किसी और का, तो मोल पता नहीं क्या निकलेंगे, आप गलती पे गलती कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। सेकंड केस, यदि आपको मास नहीं दिया गया है पार्टिकल दिए गए, इनकेस सेकेंड केस, इनकेस When number of particle is given particles are given, अगर ऐसा है सेकेंड केस जो हम बात कर रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और आपको मोल पूछे जा रहे हैं, ये पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर यहां पर आपको पार्टिकल दिए गए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए अवोगाड्रो नंबर में 1 मोल होते हैं, उसी के मोल होते हैं जिसके पार्टिकल होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस
डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर एन ए। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू हम सब जानते हैं 6.023 इंटू 10^23, जो हम यहां रख देंगे। हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलने के बाद हम उसी के निकाल सकते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, जिस सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उसी के मोल निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको NaOH के पार्टिकल दिए हुए हैं तो मोल भी NaOH के निकलेंगे, और अगर आपको पार्टिकल Na2CO3 के दिए हुए हैं तो मोल भी Na2CO3 के ही मिलेंगे। एग्जाम्पल पे बात करते हैं हम, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 12 × 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। बात को ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर पूछ रहा हूं ऑक्सीजन एटम्स, और इंफॉर्मेशन दी गई है मुझे ओजोन के बारे में, यानी O3 में। तो पहले हमें जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, हमें मोल उसी के मिलेंगे, फिर हम कोरिलेट करेंगे और पता लगाएंगे कि ऑक्सीजन एटम के मोल कितने हैं। तो सॉल्यूशंस निकालते वक्त हमारे दिमाग में एक ही चीज रहेगी, मोल ऑफ ओजोन इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। हमें यह दिया गया है वैल्यू 12 × 10^23 डिवाइडेड बाय 6, मैं राउंड फिगर ले सकता हूं न्यूमेरिकल करते वक्त, 6 × 10^23, यानी हमारे पास आंसर आएगा 2 मोल, यानी मेरे पास 2 मोल पार्टिकल्स होंगे। और हमसे पूछा जा रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मोल पूछे जा रहे हैं, ये ओजोन के हैं। तो अगला पॉइंट रहेगा मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैसे निकालेंगे, हमें ओजोन का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। इस ओजोन में एटॉमिसिटी यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के कितने हैं, 3, ये इसके लिए कहलाएगी 3 एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें कुछ नहीं, सिर्फ एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां हमारे पास होगा मोल ऑफ ओजोन मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, और हमारे पास आंसर आएगा 2 मोल मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 × 3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी और ये आएगा 6 मोल्स। इसको लिखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपको उसी के लिए मोल निकालने होते हैं पहले, फिर उसके बाद किसके बारे में पूछा जा रहा है उसके लिए को रिलेट करके आपको रिलेशन बनाना है। अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपसे कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। लिखिए इसको। हाँ तो मित्रों, अगर हमें थर्ड केस दिया जाए जिसमें वॉल्यूम दिया जाए और डेंसिटी दी जाए, तो हमें कैसे मोल निकालने वो हमें देखने को मिलेगा यहां पर। तो थर्ड केस, व्हेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज गिवन एंड डेंसिटी इज गिवन, यानी हमें दोनों चीजें एक साथ दी जा रही है, तो हम मोल कैसे निकालेंगे। सिंपल सा है, हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ध्यान से देखिएगा, मोलर मास हमेशा ग्राम पर मोल में होता है, यानी हमें मास ऑफ सब्सटेंस डेंसिटी की मदद से सिर्फ ग्राम में लाना है। तो कैसे लाएंगे, हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, डेंसिटी इस तरह से लेनी है
और वॉल्यूम इस तरह से लेना है कि नेट यूनिट हमारे को ग्राम में मिल सके, क्योंकि मोलर मास हमेशा ग्राम में ही होगा। तो यहां हमारे पास आ जाएगा मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, जो कि हमेशा किस में होगा, ग्राम पर मोल में। अब यहां पर हमारे पास यह बात हो सकती है कि डेंसिटी हमें ग्राम पर एमएल में दी हो, तो वॉल्यूम किस में रखना है, एमएल में। और अगर यहां पर लीटर पर ग्राम डेंसिटी हमें ग्राम पर लीटर में दी गई है, तो वॉल्यूम भी हमें किस में रखना है, लीटर में। फॉर एग्जाम्पल यहां दो बातें हो सकती है, या तो सब्सटेंस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या फिर गैस होगा। सॉलिड के केस में डेंसिटी आपको ग्राम पर एमएल में दी जाएगी और वॉल्यूम भी आपको एमएल में रखना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास हमेशा ग्राम पर मोल में होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, एमएल से एमएल क्रॉस हुआ, ग्राम से ग्राम क्रॉस हुआ, तो नेट यूनिट आपको क्या मिलेगी, मोल। दूसरी तरफ जब आपके पास सब्सटेंस गैस है, तो डेंसिटी आपको ग्राम पर लीटर में दी जाएगी। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्यों दी जा रही है, क्योंकि डेंसिटी गैस की बहुत कम होती है, तो अगर ग्राम पर लीटर में दिया जा रहा है और डिवाइड आप ग्राम पर लीटर डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको वॉल्यूम लीटर में ही लेना पड़ेगा, जिससे लीटर लीटर क्रॉस हो सके। और उसके बाद आपको यहां पर मोलर मास तो हमेशा ग्राम पर मोल में ही है, तो ये आपको नेट यूनिट किस में मिलेगी, मोल में मिलेगी। इज दैट क्लियर, आया समझ में, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। तो हमें यहां पर अभी तक तो ये मालूम है कि अगर वॉल्यूम भी दिया जाए, तो डेंसिटी की हेल्प से हम आराम से यहां पर मास निकालेंगे और मोलर मास का डिवाइड करके हम बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं एक एक करके कि हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं। लेकिन एक और पॉइंट जो हमारे दिमाग में आ रहा है, चलिए लिखते हैं। पहले एक एग्जांपल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O लिक्विड इन 100 ml। कैसे हम इसको सोचते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O लिक्विड इन 100 ml। डेंसिटी हमें दी नहीं जाए तो भी हम काम चला सकते हैं, लेकिन अगर दी जा रही है तो डेंसिटी हमेशा आपको मालूम होगी कि डेंसिटी H2O की क्या रहेगी, 1 g/ml। इज दैट क्लियर। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इन 100 ml। डेंसिटी हमें गिवन है, हमारा पहला टारगेट क्या होगा, डेंसिटी और वॉल्यूम की मदद से हमें मास निकालना है। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डेंसिटी 1 g/ml है, तो जो वॉल्यूम हमें ml में दिया है वो सीधा ग्राम में चेंज हो जाएगा और हम आसानी से मोल ऑफ H2O निकाल सकते हैं। तो मोल ऑफ H2O इक्वल टू मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O, मोलर मास ऑफ H2O। मास ऑफ H2O कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, डेंसिटी दी गई है 1 g/ml। मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने भी लिक्विड होते हैं उनकी डेंसिटी ग्राम पर ml में दी जाती है, इसलिए उनके लिए वॉल्यूम भी हमें किस में निकालना चाहिए, ml में ही दिया जाना चाहिए। अगर वो लीटर में भी है तो पहले उसको कन्वर्ट करो ml में। और ध्यान दीजिए कि ml में लेने से ये ml क्रॉस भी हो रहा है। अब आपके पास 100 g आएगा और मोलर मास कितना होगा H2O का, 18 g/mol। हमें कैसे मालूम मोलर मास H2O का 18 आ रहा है, हाइड्रोजन का आप जानते हैं एटम का 1 है, H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन है, 2 + 16 = 18 g/mol। एक मॉलिक्यूल का अगर होता तो 18 AMU होता, लेकिन एक मोल के लिए हमेशा यूनिट क्या होती है, वही AMU को ग्राम में चेंज करते हैं, ग्राम पर मोल। अब ये चीज, ये हमारे पास ये ग्राम ग्राम से क्रॉस हुआ है 18, तो हमारा नेट आंसर होगा 100 / 18 mol। ये हमारे पास क्या आ रहा है, जो हमसे पूछा जा रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर इसी के अंदर हमसे मोल ऑफ हाइड्रोजन पूछे जाते हैं, हाइड्रोजन एटम, मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर हमसे पूछे जाते हैं, तो हम मोल ऑफ H2O को किससे मल्टीप्लाई करते, ध्यान से देखिएगा, मोल ऑफ H2O को हम किससे मल्टीप्लाई करते, 2 से, क्योंकि H2O के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है, यानी मोल ऑफ मॉलिक्यूल को
एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करने से उससे रिलेटेड एटम्स आ जाते हैं। अगर हाइड्रोजन के पूछे जा रहे हैं तो हाइड्रोजन की एटोमिसिटी लेंगे, ऑक्सीजन के पूछे जा रहे हैं ऑक्सीजन की एटोमिसिटी लेंगे, और अगर टोटल एटम्स के मोल पूछे जा रहे हैं तो टोटल एटोमिसिटी यानी कि जितने भी एटम है उन सबको आप एड कर देंगे 2+1। तो वो डिपेंड करता है क्या पूछा जा रहा है, यहां मोल ऑफ हाइड्रोजन यानी ये आपके पास 100/18 मल्टीप्लाई बाय 2 यूनिट मोल रहेगी, और जब भी मोल हटाई जाएगी तो उसकी जगह आपको अवगाधो नंबर लगाना पड़ेगा या 6.023 × 10^23 लिखना पड़ेगा। यही अगर आपसे मोल ऑफ हाइड्रोजन की जगह एटम्स पूछे जाते हैं तो आप क्या करते, मोल ऑफ H2O मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो कि यहां पर क्या है 3, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टोटल एटम 3, 100/18 मल्टीप्लाई बाय 3। ध्यान से देखिएगा इसकी यूनिट बनेगी मोल, क्योंकि वो पूछ भी मोल ही रहा है। अगर वो मॉलिक्यूल्स पूछा होता वो तो पूछेगा नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स वहां से निकलेंगे, यहां एटम ही निकलेंगे। अगर वो टोटल एटम पूछा होता तो हम मोल को हटाते और मोल की जगह अवोगाद्रो नंबर को लाते या अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू लाते, और हम बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। लिखिए इसको, हाँ तो मित्रों वापिस देखते हैं, यदि हमें गैस के लिए दिया जाए तो हम कैसे सोच सकते हैं, यानी वही कंसेप्ट लगेगा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो एक एग्जांपल हम गैस के लिए भी लेंगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 प्रेजेंट इन 100 लीटर एट गिवन टेम्परेचर, लेकिन यहां टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है। इफ डेंसिटी इज, आपको डेंसिटी दी गई है 2.2 ग्राम पर लीटर, बहुत ज्यादा दे दिया, एक रैंडम डाटा से। और इस एग्जांपल को हम कैसे करेंगे, क्या हमें डेंसिटी दी गई है, हाँ, क्या हमें वॉल्यूम दिया गया है, हाँ। हम डेंसिटी और वॉल्यूम की सहायता से क्या निकालेंगे, मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करके हम क्या निकालेंगे, मोल। तो यहां हमारा मेन टारगेट रहेगा मोल कैसे निकालना है, तो हम देखते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2, हमें यहां पर कैसे भी करके मोल ऑफ N2 निकालना है तो हमें मास भी N2 का ही लेना पड़ेगा, मास ऑफ N2, और डेंस कैसे निकालेंगे वो बाद में है, पहले मास ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ N2, मोलर मास ऑफ N2, समझ में आया। अब मास ऑफ N2 हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, डेंसिटी। तो वापस वही फंडा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ N2। डेंसिटी कितनी दी गई है हमारे को यहां पर 2.2, किसमें दी गई है, ग्राम पर लीटर में, बिल्कुल सही। वॉल्यूम कितना दिया है, 100 लीटर, किसमें दिया गया है, लीटर में, लीटर लीटर क्रॉस, अगर ये ml में होता तो ध्यान दीजिए लीटर में कन्वर्ट करना जरूरी था, क्योंकि लीटर से लीटर क्रॉस होना यहां बहुत ही जरूरी है। डिवाइडेड बाय मोलर मास, हम हमेशा मोलर मास जो भी लेते हैं वो ग्राम पर मोल में ही लेते हैं, तो हमारे पास मोलर मास N2 का कितना है, 28 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास क्रॉस हो जाएगा और रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आप बहुत इजीली कह सकते हैं, और वही आंसर क्या होगा, मोल में होगा। लिखिए इसको, एक और केस बनता है हमारा फोर्थ, हो सकता है गैस दी जाए लेकिन गैस के लिए डेंसिटी नहीं दी जाए, तब हमें आइडियल गैस इक्वेशंस की एप्लीकेशंस को यूज करना पड़ेगा और फिर हम मोल निकाल सकते हैं, यानी बिना डेंसिटी की मदद से भी हम मोल निकाल सकते हैं, और हमें मोल वॉल्यूम दिया गया है, लेकिन ये फंडा सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए लगेगा। तो इस केस को पढ़ते हैं, मोल कैलकुलेशंस व्हेन, यानी केस नंबर 4 बनेगा, व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिफाइंड विद, यहां पर हमारे को कुछ और भी चीजें दी जाएगी, विद प्रेशर एंड टेम्परेचर,
एंड टेम्परेचर, यानी हमें जब प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम दिया जाए तो ही हम इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कैसे देखते हैं, हम जानते हैं बाय आइडियल गैस इक्वेशंस, बाय आइडियल गैस इक्वेशंस पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। पी यहां पर क्या है, प्रेशर। पी यहां पर क्या है, प्रेशर किस में है, एटीएम में। एटीएम में होना जरूरी है क्योंकि आर की वैल्यू जो है वो हमें एटीएम में याद करना आसान लगता है। वॉल्यूम यहां पर क्या है, वॉल्यूम। वी यहां पर क्या है, वॉल्यूम इन लीटर। एन यहां पर मोल है, मोल ऑफ गैस जिसका प्रेशर और टेम्परेचर दिया है। टी यहां पर क्या है, टेम्परेचर किस में, कैल्विन में। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखिएगा, जब आप ये सारे पैरामीटर इसी यूनिट में रखेंगे, इसी वैल्यूज में रखेंगे, इसी सीक्वेंस में रखेंगे, तो हमारे लिए आर की वैल्यू एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होगी 0.08821 यूनिट बनेगी इसकी, एटीएम लीटर पर मोल पर कैल्विन। और मोल की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, पीवी अपॉन आरटी। पी की वैल्यू हमें दी जाएगी, वी की वैल्यू दी जाएगी, आर की वैल्यू दी जाएगी। आर की वैल्यू हमें याद ही है, टी की वैल्यू हमें दी जाएगी, ऐसा मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था। लेकिन यहां पर आपकी फिर वापस पॉइंट बनेंगे केस फर्स्ट, अगर आपको एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड प्रेशर गिवन है, या फिर एनटीपी गिवन है, दोनों की वैल्यू सेम है इस चैप्टर में। एनटीपी यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एंड प्रेशर, तो बाय डिफॉल्ट एग्जामिनर ने हमें बता दिया है कि टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर लेना पड़ेगा 273 केल्विन। जैसे ही एसटीपी या एनटीपी बोल देता है, टेम्परेचर 273 और प्रेशर हमारे पास हो जाता है 1 एटीएम। ये दोनों ही पैरामीटर मैं इस इक्वेशंस में रखता हूं तो हमारे पास मोल की वैल्यू हो जाती है क्या होगा, प्रेशर 1, वॉल्यूम वी, जो कि हमें इस जगह वॉल्यूम हमेशा लीटर में ही रखना है, मैंने यहां पर भी लिखा है वॉल्यूम लीटर में ही होना चाहिए, अगर एमएल में है तो उसे लीटर में चेंज करें। आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 273, यह वैल्यू हो जाएगी वी डिवाइडेड बाय 22.4 मोल, जो कि बहुत आसान है। यानी आपको जैसे ही एसटीपी या एनटीपी बोल दिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। यदि आपको कोई और टेम्परेचर या प्रेशर दिया जाए तो फिर आपको वैल्यूज रखनी पड़ेगी इस फॉर्मेट में और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहां मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको आंसर पहले से ही याद है 22.4, आप इसका यूज कर सकते हैं। इसे लिखिए जल्दी। हाँ तो बच्चों, पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया है कि अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है तो हम मोल कैसे निकालते हैं, उसी को एक चार्ट के रूप में हम शो कर रहे हैं और इसको हम बोलेंगे मोल चार्ट। देखते हैं कैसे है ये मोल चार्ट, यानी हम इस मोल चार्ट में यहां हमारा सेंटर मान लेते हैं मोल, जिसको हम MOLE भी लिख सकते हैं या MOL भी लिख सकते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, स्मॉल एन से। ये हमारा मेन पॉइंट रहा मोल। अब एक एक करके समझते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हम मोल कैसे निकालेंगे, जो नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दिए जा रहे हैं वो आपको एन दिए जा रहे हैं, कैपिटल एन, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दिए गए। बस आपको कुछ भी नहीं करना, जब भी पार्टिकल दिए जाएं तो पार्टिकल जैसी क्वांटिटी यानी अवोगाद्रो नंबर को ही डिवाइड करना है, जिससे हमारे पास पार्टिकल डिवाइडेड बाय पार्टिकल आ जाए और ये वैल्यू हमारे पास होगी मोल, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल एन से। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं दिए गए हैं, आपको क्या दिया गया है इस जगह, मास दिया गया है, तो आप कैसे निकालेंगे, यानी मास ऑफ सब्सटेंस दिया गया है तो आप कैसे निकालेंगे मोल, हमें
मास डिवाइडेड बाय, क्या करना है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास हमेशा ध्यान रखिएगा इस जगह ग्राम में रखना है, मोलर मास हमेशा किस में दिया जाता है, ग्राम पर मोल में, जो कि बहुत आसान है। और मोल भी उसी के निकलेंगे जिसके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है, वो भले यहां हो या यहां। लेकिन अगर आपके पास यहां पर वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, तो आप मोल कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, आपको फॉर्मेट यही यूज करना है। ये सबके लिए लगता है सॉलिड लिक्विड गैस, या ये सबके लिए लगता है सॉलिड लिक्विड गैस। तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस को आप मास में कैसे चेंज करेंगे? आपको अच्छे से मालूम है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ध्यान से सुनिएगा, जिस यूनिट में डेंसिटी दी गई है उसी यूनिट के अकॉर्डिंग वॉल्यूम लीजिएगा, जिससे नेट यूनिट आपको ग्राम मिल सके, और ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए लगेगा? हाँ, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए लगेगा। ये तीन केस हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस और सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन इन केस अगर आपके पास वॉल्यूम दिया गया है, और वो भी सिर्फ गैस का, यानी ये लास्ट अप्रोच सिर्फ गैस के लिए लगेगी। तो अगर आपके पास वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ गैस दिया गया है सिर्फ गैस के लिए, तो आप मोल कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए आपको डेंसिटी की भी जरूरत नहीं है, आप आइडियल गैस यूज करेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, यानी एन इक्वल टू पीवी बाय आरटी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए होगा, गैस या फिर वेपर। इसके अलावा आप इसको किसी और के लिए, यानी सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं निकाल सकते। एक बार अगर आपके पास मोल आ जाता है, तो मोल निकलने के बाद जैसे आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है, आपने मोल निकाल लिया, मोल से आप पार्टिकल भी निकाल सकते हैं। कैसे? ये पार्टिकल निकालना है एन, तो मोल को अवगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। यदि आपको मास निकालना है तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये एक तरह से आपके लिए सेंटर का काम करेगा, चौराहे का काम करेगा। आपको यहां से यहां जाना हो, ये यहां से यहां जाना हो, आप इस रास्ते से ही जाएंगे। आप चाहें तो इसको दो स्टेप में करें, या फॉर्मेट को यूज करते हुए एक स्टेप में यहां आ जाए, वो आप पे डिपेंड करता है। तो जल्दी से इसको लिखिए, ये एक मोलर चार्ट, मोल चार्ट हो गया हमारा। डियर फ्रेंड्स, हमने अभी मोल पढ़ा है, बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी है, मोल कैसे निकालते हैं वो हमने पढ़ा है। अब जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे यहां पर। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए कैसे स्टार्ट करना है। हमें दिया गया है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 3 3 ग्राम ऑफ Al2SO4 होल टाइज 3.18H2O इज, हमसे क्या पूछा जा रहा है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वेट किसका दिया गया है? सॉल्ट का। क्या वाटर का दिया गया है? नहीं। तो मेरा पहली लाइन याद करिएगा, मैंने जब पहले बोला था जिसका वेट दिया जाए आप उसी का मोलर मास डिवाइड करें और उसी के मोल निकालें, अलग से कोई काम नहीं करें। तो पहला स्टेप आपका यही होगा, मोल ऑफ सॉल्ट, जो आपको सॉल्ट दिया गया है उसके मोल कैसे निकालेंगे? वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट। वेट कितना दिया गया है सॉल्ट का? 333 ग्राम, और Al2SO4 3.18H2O का मोलर मास आप सेपरेट ही निकालेंगे, एल्यूमिनियम का ऐड करेंगे 27 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि दो एल्यूमिनियम है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, ये 3 इसलिए क्योंकि यहां होल टाइज 3 है। अब सल्फर का ब्रैकेट लगाऊंगा, सल्फर 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4, ऑक्सीजन प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 18। इस कैलकुलेशंस को करने पे मुझे 666 ग्राम पर मोल मिलेगा, मिल गया। तो मैं यहां पर 666 रखता हूं ग्राम पर मोल, तो मुझे कितने मोल मिलेंगे? 1/2। ये मोल मुझे किसके मिलेंगे? क्या ये मुझे H2 के मिलेंगे? नहीं, ये मुझे किसके मिलेंगे? सॉल्ट के। अब इस सॉल्ट से H2O के मोल पे कमेंट करना है मुझे, तो आप मुझे बताएं कि
कि ये सॉल्ट कितने H2O देगा, एक मोल कितने दे रहा है, 18। तो हम फिर एक बार और लिखते हैं Al2SO4 3.18H2O आपको 18H2O मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेगा, एक मोल। एक मोल इतना करेगा तो हाफ मोल कितना देगा आपको, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 18, यानी कि आपका आंसर आएगा 9 मोल। आपको कहीं मोल में दिया हुआ है? नहीं, आपको 9 मोल को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वांटिटी में, मॉलिक्यूल्स में। कैसे करेंगे? मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.023 × 10^23। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, बी। लिखिए इसको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, लार्जेस्ट के नीचे अंडरलाइन, एटम्स के नीचे अंडरलाइन। हमसे मॉलिक्यूल नहीं पूछा जा रहा, एटम्स पूछा जा रहा है। लार्जेस्ट यानी हमसे मिनिमम नहीं पूछा जा रहा, लार्जेस्ट मैक्सिमम, और ऑप्शन है। इन ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा रखेगा वो हमसे आंसर पूछा जा रहा है। तो एक एक करके हमें सारे ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। यहां पर 4 ग्राम ऑक्सीजन, 4 ग्राम दिया गया है किसका, ऑक्सीजन का। क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल या एटम, एटम किसका डिवाइड होगा, एटॉमिक वेट। और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है, 16। यानी आपके पास कुल मिला के इस जगह 1/4 मोल होंगे ए में। बी को देखते हैं, 16 ग्राम सल्फर, 16 ग्राम किसका दिया है, सल्फर का। हमें क्या निकालना है, सल्फर के एटम के मोल। तो आपके पास कितना है सल्फर का एटॉमिक वेट, 32। यानी यहां 1/2 मोल दिए गए हैं हमें। नेक्स्ट सी, 35.5 ग्राम क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना है, 35.5 ही है। तो यानी हमें कितना दिया गया है यहां पर, 1 मोल, सही है। सी, 14 ग्राम हमें किसका दिया गया है, लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक वेट कितना है, 7। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 मोल। जब हमारे पास यहां पर 2 मोल दिया गया है, यानी वो सबसे ज्यादा है, सबसे कम ये है, फिर उससे ज्यादा ये, बी और देन सी और देन डी ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, डी। नेक्स्ट सॉल्यूशंस, वेट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विच इज इक्वल टू वेट ऑफ 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3। ध्यान से देखिएगा, एक बार और पढ़िएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विच इज इक्वल टू वेट ऑफ 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3। यानी हमें कहा जा रहा है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कहां है, जो कि इक्वल है, किसके इक्वल है, इतने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। मान लीजिए n मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का वेट कितना है, 32। मैंने 16 क्यों नहीं लिखा, 16 एटॉमिक वेट है। हमसे किसकी बात की जा रही है, मॉलिक्यूल की। इसका मतलब ऑक्सीजन एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है, इसलिए उसका ऑप्शन क्या होगा, 32। मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन 32 है, एटॉमिक वेट 16 है। ये किसके इक्वल है, 20 मॉलिक्यूल ऑफ SO3। SO3 का मोलर मास कितना है, 80, 32 + 48। एन की वैल्यू क्या आएगी इसको सॉल्व करने पे, 50। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द वेट ऑफ दिस एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज दिस ग्राम, ग्राम है, यानी हमसे हर चीज ग्राम में ही पूछी जाएगी। अब द एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स शुड बी अबाउट, तो हमसे एटॉमिक वेट पूछा जा रहा है, इतने एटम्स का ये मास दिया गया है। कैसे सॉल्व करेंगे हम, 3.2 × 10^5 एटम्स का कितना दिया गया है, एटम्स वेट इक्वल टू कितना दिया गया है, 8 × 10^-18। वन एटम का कितना होगा, 8 × 10^-18 डिवाइडेड बाय 3.2 × 10^5, और 6 × 10^23 एटम्स का क्या होगा,
जब भी वेट ग्राम में दिया जाए तो हमें मोल के लिए ही निकालना होता है, और एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, 6 × 10^23। इसलिए हमारे लिए ये जो वैल्यू आएगी, ये आएगी ग्राम एटॉमिक वेट अपॉन 3.2 × 10^5 मल्टीप्लाई बाय 6 × 10^23। और ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आपको मिलेगी 15 ग्राम पर मोल, यानी आपका आंसर होगा 15 ग्राम पर मोल। यस बी आंसर। मैं फिर बोलना चाहूंगा, यहां पर 15 ग्राम पर मोल होगा यानी मोलर मास होगा, या फिर इसका आंसर होगा 15 एमयू पर एटम। एमयू पर एटम में आता है, ग्राम पर मोल में आता है। तो इसके अगर एटम के लिए बात कर रही तो 15 एमयू, और एक मोल के लिए बात करें तो 15 ग्राम। दोनों ही कंडीशन में वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ यूनिट चेंज होगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, यानी 15 ग्राम पर मोल। लिखिए इसको, जल्दी से उतारिए। यस डियर स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं मोल से रिलेटेड। एक से लेकर चार तक हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 9 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन 18। हमें ऑक्सीजन 18 दिया गया है और उसका मास मिलीग्राम में दिया गया है, और क्या पूछा जा रहा है, न्यूट्रॉन्स। तो सबसे पहले मास जिसका दिया गया है मोल भी उसी के निकालेंगे हम। तो मोल हमारा आंसर होगा मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये एबनॉर्मल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 18। कैसे निकालेंगे, वेट जो कि हमें 9 मिलीग्राम दिया गया है इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और ऑक्सीजन 18 का मोलर एटॉमिक वेट कितना होगा, 18 न कि 16, 18 ग्राम पर मोल। यस, ये हमारे पास मोल है किसके, ऑक्सीजन के, ठीक है, ऑक्सीजन 18। अब बात आती है ऑक्सीजन 18 में, आप देखते हैं कितने प्रोटॉन है इसके अंदर, प्रोटॉन है हमारे पास 10, प्रोटॉन है 8 और न्यूट्रॉन है 10। हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। कैसे पता चला इसमें 10 है, 18 - 8, 10 न्यूट्रॉन्स। तो हमारा आंसर होगा मोल ऑफ ऑक्सीजन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूट्रॉन निकालने के लिए, 10 के फैक्टर से। तो नंबर ऑफ, पहले हम बात करेंगे यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि हमारे पास आ चुका है 1/2। ये मैंने क्रॉस करा 2 × 10^-3 × 10, यानी 5 × 10^-3 मोल, 5 × 10^-3 मोल। और अगर मोल हटाना चाहते हैं तो अवोगाड्रो नंबर लगाना पड़ेगा, यानी 0.005। ये वैल्यू हो जाएगी 0.005 Na, 0.005 Na आपका आंसर सी है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट सेम नंबर ऑफ टोटल एटम्स। हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स नहीं निकालने हैं, हमें टोटल एटम्स निकालने हैं, और हमें इन सभी ऑप्शंस में मास जो दिया गया है वो पूरे सब्सटेंस या पूरे मॉलिक्यूल का दिया गया है। तो एक एक करके हमें सब सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शंस ए, 9 ग्राम, 9 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास है 30। कितने एटम है इसमें, इसमें है हमारे पास पूरे 2 + 6 यानी 8, ठीक है। बी के अंदर हमें निकालना है मोल को, अगर हम मोल नहीं लिखना चाहते तो अवोगाड्रो नंबर Na लिखना पड़ेगा। सेकेंड हमारे पास हो जाएगा 18, इसका मोलर मास है हमारे पास 180, और एटॉमिसिटी 6 + 12 यानी 18 + 6 = 24 Na। सी ऑप्शंस, 9.8 मोलर मास इसके लिए 98, एटॉमिसिटी 2 + 1 3, 3 +
4 7 Na, डी ऑप्शंस 48 ग्राम, SO3 का मोलर मास है 80 मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी 1 + 3 4 Na। अब आप देख रहे हैं इसमें 8 by, यहां पर हमारे पास होगा 24 / 10, ये क्रॉस होगा, यहां पर भी 24 / 10 Na, यहां पर 7 / 10 Na, ये इक्वल नहीं है, ये हमारे पास रहेगा 8 से क्रॉस होगा 6 × 6 × 4 = 24 / 10 Na, यानी हमारे लिए ए बी डी तीनों सेम नंबर ऑफ एटम्स रखेंगे तो आंसर गोज टू ए बी डी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान से सुनिएगा, हमसे करेक्ट नहीं पूछा जा रहा, हमसे क्या पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट, ठीक है। मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स इज 8 kg, 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 इज 8 kg, कैसे देखते हैं हम, पहले तो हमें यह निकालना पड़ेगा ये मोल कितने हैं, तो हमारे पास मोल ऑफ SO3 6.023 या 22, राउंड फिगर दोनों चलता है, 25 upon 6.022 × 10³³, ये मोल आ गया, ठीक है, कितनी क्या वैल्यू आई है हमारे पास, 10³ मोल। अब मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास, तो केवल अगर हमसे पूछा जाए मास ऑफ SO3 तो मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, और SO3 का मोलर मास है 80 g/mol, कितना है हमारे पास 80 g, तो ध्यान से देखिएगा यहां हमारे पास 2 आ रहा है तो ये हमारे पास कितना हुआ 8 kg वैल्यू हमारे पास आ रही है, यहां मोल है, मोल मोल से क्रॉस हुआ 8000 g या 80 g, यस, तो हमारे लिए ए ऑप्शंस करेक्ट है, और जो करेक्ट है वो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। बी ऑप्शंस, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.8 g ऑफ ओजोन आर इक्वल टू दिस, ठीक है, बी ऑप्शंस को देखते हैं, 4.8 g, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय 48, ये किसके मोल आएंगे, ओजोन के, मुझे किसके चाहिए, ऑक्सीजन एटम्स के, किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 Na से, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखा जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.3 Na, जिसकी वैल्यू होगी 1.8 × 10³³, जबकि यहां क्या दिया गया है आपको 18, यानी ये हमारे लिए पॉइंट से गलत हो रहा है, तो ये भी हमारा आंसर गलत है, लेकिन हमसे गलत ही पूछा जा रहा है इसलिए हमारा ये आंसर क्या होगा, सही। नेक्स्ट ऑप्शंस, मास ऑफ ML इज 1 bar, प्रेशर इज दैट, ठीक है, सी ऑप्शंस, तो हमें मोल कैसे मिलेगा, हम लिखते हैं 22.7, ये ML है, इसको लीटर में कन्वर्ट करें, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3, आपको अच्छे से मालूम है अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस दे दी जाती है आपको तो 22.4 का डिवाइड होता है, लेकिन वहां पर 1 atm प्रेशर होता है, यहां क्या प्रेशर है 1 bar, 1 bar और 1 atm में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 atm इक्वल टू 1.01 bar होता है, उस 1 atm इक्वल टू 1.0 bar होता है, 1.01 bar, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है तो यहां पर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 22.7 आ जाएगा 22.4 की जगह। अब आपके पास क्या है, 22.7 को आपने लीटर में चेंज कर दिया, ये मोल आ गए, ठीक है, और इतने मोल का मास आपके पास कितना आ जाएगा, 30 g/mol होता है CH4 C2H6 का मास,
तो इससे जो आपके पास आएगा वो आंसर 30 मिलीग्राम आएगा, जबकि इसने क्या दिया है 30 ग्राम। देखिए 30 इंटू 10 की पावर माइनस 3 यानी 30 मिलीग्राम हो जाएगा, ये ग्राम नहीं रहेगा मिलीग्राम रहेगा। तो यहां गलत है, इसलिए ये भी आंसर सही है, हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। डी ऑप्शन, वॉल्यूम ऑफ 51 mg 1 bar इज दैट 68.10। तो डी ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो आप मुझे बताएं ये मिलीग्राम है, अगर ये ग्राम होता तो कितने मोल होते, अमोनिया का मोलर मास कितना है 17, तो 3 मोल होते और 3 मोल का मास होता 68.1 लीटर, तब ये बिल्कुल सही होता जब यहां पर ग्राम होता, लेकिन यहां पर क्या है मिलीग्राम। तो इतने मिलीग्राम का वॉल्यूम 68.1 मिलीलीटर होगा, न कि लीटर, तो इसका मतलब यहां पर भी गलती है और हमारा ये भी आंसर सही है। ठीक है, लिखिए इसको। यस डियर फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। असर्शंस, इक्वल मास ऑफ H2 एंड O2 कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली। देखिए हमें मास दिया गया है, इक्वल मास H2 और O2 का, ठीक है, और हमसे क्या पूछा जा रहा, कहा जा रहा है कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। इक्वल नंबर ऑफ एटम्स तब इक्वल होंगे जब उनके मोल इक्वल होंगे, और मोल तब इक्वल होंगे जब उनके मोलर मास इक्वल होंगे, क्योंकि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करने से ही हमें मोल की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो क्या मोलर मास दोनों के सेम है, नहीं, N2 और O2 का मोलर मास सेम नहीं है। हाँ, अगर N2 यहां पर H2 और O2 का सेम नहीं है, यहां पर N2 होता और यहां पर CO होता तो आपकी बात सही थी, लेकिन यहां पर हमारी बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहां पर दोनों के मोलर मास सेम नहीं है। N2 और CO के केस में दोनों के मोलर मास सेम होते हैं, तो अगर यहां N2 और CO होता तो काम चल जाता, लेकिन यहां पर है H2 और O2 जिनके मोलर मास अलग हैं, तो इक्वल मास अलग अलग मोल रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि मोलर मास अलग हैं तो इसका मतलब मोल भी अलग होंगे, तो ये गलत हो गया, ये रॉन्ग है assertions। अब रीजन देखते हैं, रीजन सही है क्या नहीं है। इक्वल मोल ऑफ H2 एंड O2 कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। देखिए मोल से एटम्स कैसे मिलते हैं, हमें मोल को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें एटम्स मिल जाते हैं, और अवोगाड्रो नंबर्स भले हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो दोनों या कोई भी और एलिमेंट हो, हमेशा अवोगाड्रो नंबर Na ही रहेगा। तो इसका मतलब इक्वल मोल ऑफ H2N2 कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स, बिल्कुल सही है। यहां दोनों की एटोमिसिटी भी क्या है, सेम है। तो मैं वापस आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। इक्वल मोल है, इसका मतलब मॉलिक्यूल इक्वल है, मॉलिक्यूल इक्वल है, एटोमिसिटी इक्वल होने की वजह से एटम्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। हाँ, यहां पर O2 होता और यहां ओजोन होता, एटोमिसिटी अलग होती, तो मॉलिक्यूल तो सेम होते हैं लेकिन एटम्स अलग हो जाते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है और एटोमिसिटी सेम दी जा रही है, मोल भी सेम दिए जा रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आ रहा है क्लियर। ग्रेफाइट इज एन एलिमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट क्या एलिमेंट है, हाँ डायमंड एलिमेंट है। हाँ, एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, एन एलिमेंट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, बिल्कुल सही है, यानी एसर्शन रीजन दोनों सही है और ये उसको एक्सप्लेन भी करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, एसर्शन इज करेक्ट एंड रीजन गिव्स परफेक्ट रीजन ऑफ दिस, परफेक्ट रीजन ऑफ दिस स्टेटमेंट, ओके, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ नेक्स्ट, जबकि यहां पर हमारे लिए ये गलत है और ये सही है, और इस जगह हमारा आंसर डी जाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमसे एक कॉलम में दिया जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस दिस दिस, और दूसरी तरफ उनके बारे में हमसे क्या दिया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यानी नंबर ऑफ मोल्स के अंदर हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ऑक्सीजन एटम्स इन दिस, यानी हमें क्वेश्चन नंबर 10 में दिया जा रहा है एक इंफॉर्मेशन, इस तरफ हमें क्या दिया जा रहा है मोल्स और एक तरफ उनकी क्वांटिटी दी जा रही है। तो मोल्स
पढ़ना है हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 0.5 मोल. कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. कितने मोल दिए गए हमें कंपाउंड के, 1/2. 0.5 का मतलब 1/2. इतने मोल हमें दिए जा रहे हैं, लेकिन ये मोल हमारे को कैल्शियम फॉस्फेट के हैं, और कैल्शियम फॉस्फेट में ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी है, 4 × 2 यानी 8. तो 1/2 × 8 क्या हुआ, 4. इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया, ए का आंसर हमारे लिए हो जाएगा 4 यानी कि क्यू. बी को देखते हैं. बी में हमारे पास कितने मोल दिए, 112 लीटर. लीटर को हमने मोल में चेंज करा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे दिया हुआ है, 22.4 का डिवाइड किया, क्या वैल्यू आ रही है, ये 5 मोल किसके, CH4 के. और CH4 में कार्बन की एटोमिसिटी क्या आ रही है आपके पास, 1. तो यानी हमारे पास 5 ही रहेगा और आंसर वापस क्या हो जाएगा, इस जगह R. सल्फर मोल ऑफ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर इन दिस यानी सी ऑप्शंस के अंदर हम देखते हैं 192 ग्राम, और SO2 का मोलर मास 64. कितने मोल आए, 3. और SO2 में सल्फर की एटोमिसिटी क्या है, 1. तो ये हमारे पास 3 यानी 3 है, इसका मतलब ये आंसर हमारे पास क्या जाएगा, S. फोर्थ, क्लोरीन इन दिस, क्लोरीन इन दिस मॉलिक्यूल ऑफ दिस. तो हमारे पास मोल ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, 24. राउंड फिगर में लिख रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय 24 × 10³ डिवाइडेड बाय 6 × 10³. ये किसके मोल है, Cl2O के आएंगे, और Cl2O के लिए एटोमिसिटी कितनी है Cl की, 2, सिर्फ Cl की. तो ये वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, 4 × 2 8 हमारे पास आंसर आएगा P. यानी हर एक के लिए अलग अलग ऑप्शंस डिजाइन किया गया है.